पलड़े में आपका पिता है और दूसरे पलड़े में आपका पति, किसे चुनेंगे? भैया बुआ, किसे पति पति और पिता को चुनना हो तो किसे चुनेंगे? आप बताओ पीली मैया। पति, विवाह के बाद यदि पिता को ही चुनना है ना बहन, तो विवाह करो ही मत, रहो पिता के साथ। फिर विवाह क्यों करना? वो सामने वाला जो आपका पति है, लड़का है, वो कोई तुम्हें उठा के जबरदस्ती तो ले, तुम्हारा बाप ही ना तुम्हारा दान कर रहा है, वो उठा के तो नहीं ले जा रहा तुम्हें जबरदस्ती। मैं तुझको भगा लाया हूं तेरे घर से, तेरे बाप के डर से, तो वो तुम्हारे बाप के डर से तो ले नहीं जा रहा है, तुम्हारा बाप ही तुम्हें दे रहा है, ले भैया ले जा। क्यों? जो लड़की विवाह के बाद पिता को चुनेगी उसका कभी घर बस ही नहीं सकता। पति को क्यों नहीं चुनना? शादी हो गई आपकी? विवाह के बाद माता सती ने यही गलती की, शंकर जी ने रोका कि पिता के घर मत जाओ। माता सती बोली, नहीं मेरे पिता है, जाऊंगी। और पिता के घर बिना बुलाए गई, अपने पति का अपमान पाया, तो पिता को कहने लगी, दक्ष मेरे पति तुम्हारा कितना सम्मान करते और तुमने बेवजह मेरे पति का अपमान किया, अब मैं किसके लिए जीऊं? माता सती ने अपने पति का अपमान अपने पिता के घर में देखा तो योग अग्नि में जल करके भस्म हो गई। वो स्त्री कभी पतिव्रता हो ही नहीं सकती जो अपने पति का अपमान कराए सबसे। पतिव्रता नारी वो है जो कभी पति का अपमान ना करे और कभी पति का अपमान होने ना दे। माता सीता ने विवाह के बाद पति को चुना कि पिता को चुना? जंगल में अकेले लकड़ियां काट काट के लवकुश को पाल पोस कर बड़ा किया। तुम होती तो 17 फोन रोज लगाती, पापा आ रहे हो क्या कि मैं आ जाऊं? क्या स्तर था स्त्रियों का और पुरुषों का भी, राम जैसा क्या स्तर था स्त्रियों की सोच का और आज की स्त्रियों की सोच का स्तर देख लो। हाँ या ना? शादी करने के बाद आजकल की लड़कियों को अपने पति से प्रेम नहीं हो पाता, उस आदमी को, उस पति को भी अपनी पत्नी से प्रेम नहीं हो पाता। प्रेम ना होने के कारण रिश्तों में दरार आ जाती है, समर्पण नहीं हो पाता एक दूसरे के प्रति, तो तलाक की नौबत आ जाती है। लड़की 24 साल तक अपने माँ बाप के पास थी ना, तो उससे जरूरत से ज्यादा अटैचमेंट अटैच है माँ से, पिता से, वो बात ठीक है। पर विवाह के बाद ये बात हर लड़की को समझाओ कि विवाह के बाद आपका पति से ही गुजारा होना, और पुरुष को भी विवाह के बाद पत्नी, पति में समर्पण भाव है।
रिश्ते जब अच्छे होते हैं ना पति पत्नी के, तो फिर घर में सब कुछ अच्छा होता। और पति पत्नी के रिश्ते अच्छे नहीं होते तो घर में कुछ भी अच्छा नहीं होता। हाँ या ना? सास अच्छी नहीं है चलेगा, जेठानी देवरानी देवर अच्छा नहीं है चलेगा, ससुर अच्छा नहीं है चलेगा, पति अच्छा होना चाहिए। पति अच्छा नहीं होगा तो नहीं चलेगा। पति अच्छा हो और पत्नी अच्छी, एक दूसरे को समझने वाली हो, एक दूसरे में समर्पण की भावना हो, फिर रिश्ते आपके बिंदास चलेंगे। आप पैसे भी कमाओगे, लड़की को चाहिए कि विवाह के बाद अपने पिता अपनी माता को बुलाने की कोशिश करें। भूल ना पाओगी आप, आना जाना बनाए रखो, बातचीत करो, पर अब तुम्हारा भला, पति मैं है पिता मैं नहीं, कहां भला है? पति के साथ रहने में भला है कि पिता के साथ? दो नाव में चढ़ोगी ना बहन, निश्चित लिख लेना डूबोगी। एक नाव में रहो, पति को पिता को भुलाना नहीं है। जाओ रक्षाबंधन में, भाइयों से मिलो, पिता से मिलो, रहो, पर पति से आपने ऊपर पिता को रखा, काम नहीं चलेगा। क्या माता सीता ने राम से ऊपर जनक जी को रखा? उत्तर उत्तर दो। तो फिर आप क्यों?